नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भुवनेश्वर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों दोस्तों मैं आज पहला ब्लॉग वीडियो बना रहा हूं। आशा करता हूं आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों ये हमारा खेत है। 2 माह पहले इस खेत में हम लोग बरबटी का बीज बोए थे। 2 माह बाद आज बरबटी हार्वेस्टिंग पे आ गया है। आज हमें इसे घर के लिए सब्जी बनाने के लिए तोड़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो में। दोस्तों मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं। गांव में खेती कैसे की जाती है, किस प्रकार से की जाती है, आगे के वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैं आज सिर्फ आपको खाने के लिए बरबटी तोड़कर दिखा रहा हूं और मेरा खेत है किस प्रकार से बरबटी उगाया गया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। कुछ बरबटी तोड़कर मैंने थैले में डाल रहा हूँ। दोस्तों खेतों में सब्जियां उगाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, तब जाके हमें मेहनत का फल मिलता है। इस आप जो देख रहे हैं इस बरबट्टी को मैंने 27 जनवरी 2022 को लगाए थे बीज खेतों में, और आज 1 अप्रैल है। दोस्तों लगभग 2 माह बाद हार्वेस्टिंग पे आ गया है। 2 महीने की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। इसमें खरपतवार वगैरह सबको अलग अलग वहाँ से निकालना पड़ता है ताकि बरबट्टी के पौधे को पानी हवा अच्छी तरह से मिल सकते हैं। दोस्तों आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करके आल पर सेट करें, जिससे जब भी मैं नया ब्लॉग वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बरबट्टी के अलावा भी मेरे खेतों में और भी बहुत सारी सब्जियाँ लगाई गई है दोस्तों, मैं आगे के वीडियो में आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। आज सिर्फ मैं बरबट्टी तोड़ रहा हूं आज सब्जी बनाने के लिए। दोस्तों 2 महीने बाद आज पहली बार में तोड़ रहा हूं। दोस्तों इससे पहले बरबट्टी नहीं तोड़ा गया था। दोस्तों आपको बता दूं मैं इस बरबट्टी का नाम जो वेराइटी है अंकुर हरी, आप नेट में सर्च कर सकते हैं, आपको नेट पर मिल जाएगा। दोस्तों इस बरबट्टी का वेराइटी बहुत ही अच्छा है। क्या आप भी बरबट्टी की सब्ज़ी खाते हैं या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आप किस ज़िले या किस सिटी से वीडियो देख रहे हैं मुझे भी कमेंट करके बताएं। और आप भी घर पर सब्ज़ी लगाना चाहते हैं तो आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों घर पर सब्ज़ी लगाने का एक फ़ायदा यह होता है कि आपको बाहर सब्ज़ी के लिए ढूंढने जाना, मार्केट वगैरह जाना नहीं पड़ता है, घर पर मिल जाता है सब्ज़ी। और थोड़ी ज़्यादा हो जाता है तो आप इसे सेल भी कर सकते हो आपके नियर बाय मार्केट में। मैं वीडियो को फास्ट प्ले करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप देखते रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए। अंत में दिखाऊंगा दोस्तों मैंने कितना बरबट्टी तोड़ा आज घर के लिए सब्ज़ी बनाने के लिए। आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने इतना सारा बरबट्टी तोड़ा है घर के सब्जी के लिए। दोस्तों सिर्फ बरबट्टी ही नहीं, बरबट्टी के साथ और भी आलू करेले वगैरह मिक्स करूँगा और इसकी सब्ज़ी आज हम बनाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ।